मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। हमेशा परमेश्वर आपको खुशी और आनंद के साथ रखना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर इस वॉक विद जीसस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु अपने आशीष की वचन को आपके लिए देना चाहता है। प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा प्रभु वादा को देता है, सामर्थ को देता है, अगुवाई करता है, आशीष देता है। आज भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अगुवाई करना चाहता है। नहुम भविष्यवाणी के पुस्तक पहला अध्याय का 15 वचन में, क्योंकि वह होछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। दुष्ट के रूप में, दुश्मन के रूप में प्रभु किसको कहता है? शैतान। जी हाँ, वही हमारे जीवन में दुष्ट के रूप में कार्य करता, दुख देना चाहता, परेशान करना चाहता, मुसीबतों में, परिवार में बीमारी को लाना चाहता, कमजोरी में गिरा के पूरे जीवन में मुसीबत, दुख, तकलीफ से भराना चाहता, वही हमारा दुश्मन शैतान है। ये शैतान क्या करता है? हमारे विरोध में लोगों को उकसाता है। हमारा दुश्मन शैतान आंखों में न दिखता है, वो अंधे की दुनिया में ओके हमारा विरोध में कार्य करता है और दुख मुसीबत को देख के मनो को परेशान करना चाहता है। प्रभु क्या कहता है? इसके बाद तुम्हें कभी उस दुश्मन से, शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने उनको नाश किया। कैसे संभव? यीशु मसीह क्रूस पर उस शैतान पर, सार शक्तियों पर जय पाई। क्रूस में लघु बहाने के द्वारा उसकी सामर्थ को, उसकी सारी क्रिया को पर प्रभु यीशु मसीह जय पाया। वो दुष्ट शैतान है, दुश्मन है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर उसको नाश किया है। इसके बाद आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन आप कहते हैं शैतान प्रतिदिन मुझे परेशान करता। यदि परमेश्वर के साथ संगति में आप सही रहने से शैतान दूरी से देख के भाग जाएगा। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु की संगति में आप सही नहीं रहेंगे तो शैतान प्रतिदिन आपको परेशान करते ही रहेगा। यदि परमेश्वर की संगति में मजबूत रहने से शैतान आपके मार्गों पर नहीं आएगा। यीशु क्या कहा? अभी देखो, शैतान मेरे पास आता है लेकिन मेरे सामने वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई भी काम मेरे जीवन में नहीं है। मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के द्वारा शैतान मेरे पास नहीं आएगा। यदि शैतान के कार्य कुछ पाप या श्राप, कुछ शैतान का वस्तु रहने से उसके द्वारा शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आपसे कहते हैं इतना सावधान रहना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए सीखना है। वचन के अनुसार हमारा जीवन रहने से शैतान कभी भी कार्य नहीं कर सकता है। क्रूस पर प्रभु ने उसको नाश किया है। क्या आपका जीवन में बीमारी को लाया है, परेशानी को लाया है और मुसीबतों में खड़ा किया है और कमजोरी को लाया है? प्रभु वादा करता है इसके बाद वो शैतान नहीं आएगा। क्रूस पर उसको प्रभु ने नाश किया है। पूरे अधिकार के साथ आपको कहना है, ए शैतान, क्रूस पर यीशु ने तुम्हारे सारे शक्तियों को नाश किया, तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ जो प्रभु है वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए तुम मेरे विरोध कुछ नहीं कर सकता है। तू कुछ नहीं कर सकता है। आप हमेशा अपने अधिकार को नहीं समझते हैं, इसलिए शैतान कार्य करता है। मैं प्रतिदिन ऐसे कहता हूँ, ए शैतान, तू कुछ भी कार्य करे, कितने ही लोगों को खड़ा करे, कुछ भी नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा झूठे इंजाम लगा सकता, मेरे विरोध में लोगों को खड़ा कर सकता है और इतनी ही निंदा अपमान को कर सकते हैं। ये सब को पार करने के लिए प्रभु मुझे बल देता है। ऐसे कहने से डर के भाग जाता। आप क्यों डर रहे हैं? हिम्मत से कहना है, हे दुष्ट शैतान, प्रभु यीशु ने तुम्हें सत्यानाश किया है। तुम मेरे विरोध, मेरे परिवार के विरोध में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है। आज मेरे विरोध में तुमने जो कुछ योजना बनाई मुझे नाश करने के लिए, डराने के लिए, सारी मुसीबतों को यीशु मसीह के नाम से मैं उस पर प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से उसे विजय पाता हूँ। आमीन, आमीन।